दोस्तों बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान ने अपनी मच मच अवेटेड हाईली एक्शन एंटरटेनर फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है। ये फिल्म ईद के मौके पर रिलीज होने वाली है। इसी के साथ सलमान खान ने अपने चाहने वालों से ये वादा किया है कि इस फिल्म का नया पोस्टर रिलीज करते हुए बताया कि ये फिल्म 13 मई को रिलीज होगी, यानी कि 2 महीने बाद। दोस्तों इस मेगा अनाउंसमेंट का दर्शकों को लंबे समय से इंतजार था, अब कहीं जाके ये इंतजार पूरा हो चुका है। हालांकि इसके साथ ही सलमान खान ने बॉलीवुड स्टारर जॉन अब्राहम को कड़ी चुनौती दे डाली है। एक्टर जॉन अब्राहम भी इसी मौके पर अपनी एक्शन एंटरटेनर फिल्म सत्यमेव जयते 2 को लेकर सिल्वर स्क्रीन पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में इन दोनों फिल्मों के बीच जबरदस्त बॉक्स ऑफिस क्लैश होने वाला है। जॉन अब्राहम की इस फिल्म को टी सीरीज के बैनर तले प्रोड्यूस किया जा रहा है। फिल्म में टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार की पत्नी दिव्या कुमार खोसला भी लीड रोल में नजर आने वाली हैं, जबकि फिल्म को मिलाप जावेरी ने डायरेक्ट किया है, जो इसके पहले पार्ट को डायरेक्ट कर चुके हैं। इस फिल्म को रिलीज किया जा रहा है 14 मई को, यानी कि ठीक 2 महीने बाद। जॉन अब्राहम की सीरीज की पहली फिल्म भी डायरेक्टर मिलाप जावेरी ने डायरेक्ट की थी। साल 2018 में रिलीज हुई इस फिल्म को दर्शकों ने भारी रिस्पॉन्स दिया था। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिलीज हुई इस फिल्म ने उस वक्त शानदार कलेक्शन करते हुए 100 करोड़ रुपए क्लब में एंट्री ली थी। तो क्या इस बार भी जॉन अब्राहम वही कमाल कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस बार जॉन अब्राहम का मुकाबला सिनेमाघरों में सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म से होने वाला है। अब कौन किस पे भारी पड़ता है ये तो 14 मई को पता चलेगा। वेल, आपको क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय शेयर करें और देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज। थैंक यू सो मच।